नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको माइक्रोवेव जो हीट नहीं कर रहा है उसको चेक करेंगे और उसका सलूशन करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि ऐसी नई नई वीडियो आपको हमारी मिलती रहें। तो दोस्तों, ये हमारे पास माइक्रोवेव है, हमने यहाँ इसका प्लग लगा दिया है और दोस्तों इसके अंदर एक पानी का गिलास भर के रख दिया है हाँ, जो हम चेक कर सकें कि हीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसको ऑन कर देंगे और माइक्रोवेव पर डायरेक्ट ही इसको स्टार्ट कर देंगे। तो हम देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो अंदर वाला गिलास है वो भी घूम नहीं रहा है, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर एक मोटर लगी होती है जो घूमती रहती है, वो भी काम नहीं कर रही। और अब इसका टाइमिंग भी होने वाली है, हम इसको खोल के चेक करेंगे कि पानी गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसकी टाइमिंग जो ख़त्म हो चुकी है, तो हम इसका गिलास बाहर निकालेंगे और ये पानी दोस्तों नॉर्मली बिल्कुल भी गर्म नहीं हो रहा है और ना इसका जो गिलास है ये कोई भी नहीं घूम रहा और हमारा जो पानी है वो भी गर्म नहीं हो रहा। तो इसमें दोस्तों ये दोनों फॉल्ट हैं, तो हम चेक करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। तो हम पहले बंद कर देंगे और गिलास को साइड में रख देंगे। और दोस्तों इसको चेक करने के लिए इसका जो ऊपर वाला ढक्कन है उसको खोलेंगे। यहाँ पे दोस्तों इसके स्क्रू होते हैं कि यह स्क्रू है और पीछे इसके स्क्रू लगे होते हैं, 1, 2, 3, एक पीछे लगा होता है 4। और सभी स्क्रू को हमने खोल लेंगे और ढक्कन इसका बाहर निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें जो प्रॉब्लम है हमने चेक किया है इसको, इसकी जो ये वाली स्विच है ऊपर वाली, ये आप देख सकते हैं ये वाली स्विच, ये दोस्तों काम नहीं कर रही थी। जब हम ढक्कन बंद करते थे ये स्विच बंद नहीं होती थी, तो हमने पेचकस से इसको एक दो बार प्रेस किया तो ये बंद होना स्टार्ट हो चुकी है, ये स्विच जाम हो गई थी। इसकी वजह से ये माइक्रोवेव जो है काम नहीं कर रहा था। तो दोस्तों हम इसकी जो ये स्विच है ये जाम हो गई थी, इसको चेंज ही कर देंगे ताकि दोबारा से प्रॉब्लम इसमें ना आए। तो इसको चेंज करने का तरीका भी आपको मैं बताऊँगा। सभी दोस्तों इसमें जो जैक लगे होते हैं उन सभी जैक को आप बाहर निकाल लें। इसमें दोस्तों 3 स्विच लगी होती हैं लेकिन हमने चेंज ऊपर वाली ही करनी है, तो सभी जैक को पहले बाहर निकालना पड़ेगा। ये जो जैक दोस्तों, एक जैक जो थोड़ा जाम है और हाथ भी हमारा नहीं पड़ रहा, उसको पेचकस की मदद से हम उठा लेंगे। बहुत ही दोस्तों आराम से ये काम करें ताकि जो प्लास्टिक के जो पार्ट्स होते हैं वो बिल्कुल भी टूटे ना, क्योंकि ये पार्ट्स जो है बहुत मुश्किल से बाज़ार में मिलते हैं। तो बहुत ही सावधानी से आप काम करें दोस्तों। ऊपर इसका एक बल्ब लगा है उसका भी जैक निकाल लेंगे, क्योंकि हमने जो इसका जो स्विचिंग वाला पूरा जो बोर्ड बना हुआ है उसको बाहर निकालना है। तो इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं ये स्क्रू लगा हुआ है, इसमें इस स्क्रू को हम खोल लेंगे। बहुत ही दोस्तों आसान है इसको चेंज करना। और एक नीचे दोस्तों स्क्रू लगा है उसको भी हम खोल लेंगे पेचकस की मदद से। बस इसमें 2 स्क्रू लगे होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, और उसके बाद ये पूरा बोर्ड है इसको हम आसानी से बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों कभी भी आप किसी भी चीज़ का धक्का ना करें। ये दोस्तों यहाँ पे एक लॉक बना हुआ है, इसको उठाकर सिंपली बस बहुत ही प्यार से ये बाहर आ जाएगा। आप दोस्तों इसको लगा लगाया चेंज मत करें स्विच को, क्योंकि उससे जो प्लास्टिक का पार्ट्स होता है वो टूट जाएंगे, क्योंकि जगह होती नहीं है, हाथ मारा इसमें जाएगा नहीं। तो आसानी से इसको बाहर निकाल कर ही स्विच को चेंज करें। ये आप देख सकते हैं दोस्तों ऊपर वाली स्विच, बस सिंपली हमने लॉक को थोड़ा सा उठाया और ये स्विच ये बाहर आ गई है। तो आप ऐसे बहुत आसानी से काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी आपको। और दोस्तों अब हम इसमें दूसरी स्विच लगा देंगे। नहीं, ये हमारे पास एक और सेम टू सेम वैसी स्विच है, तो बस आपने सिंपली इसको जैसे निकाला था वैसे बिठा देना है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटी सी डंडी बनी हुई है, उसको स्विच के बीच में फंसा देंगे ताकि जो स्विच बिल्कुल फिक्स हो जाएगी और हिलेगी नहीं। और ये हमारी स्विच है वो लग चुकी है।
ये आप देख सकते हैं। अगर आपने नीचे वाली स्विच चेंज करनी है तो उस पर भी दोस्तों ये दो लॉक बने हुए हैं, नीचे भी दो लॉक बने हुए हैं, आप स्विच को आराम से चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी दोस्तों आपको अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियो हमारी आती रहेंगी, तो हम स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाते रहेंगे कैसे आपने सभी चीज़ों को रिपेयर करना है। हमारे चैनल पे दोस्तों ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीज़र, फिल्टर की, तो रेगुलर हम इस पर वीडियो डालते रहते हैं। और दोस्तों जैसे हमने इसको बाहर निकाला था वैसे ही हम इसको दोबारा लगा देंगे और उसके अंदर जो स्क्रू लगे हैं उसको भी लगा देंगे। बहुत ही दोस्तों आसान है स्विच को चेंज करना। बाकी दोस्तों और भी हमारी वीडियो आएंगी जिसमें आपको मैं अलग अलग फॉल्ट्स के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या फॉल्ट होते हैं जिससे ये अलग अलग प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर आपका ये दोनों चीज़ें इकट्ठी वर्क ना करती हो, हीट भी ना करता हो और नीचे घूमता जो मोटर घूमती नीचे वो भी ना घूमती हो, तो आप ऐसे स्विच को चेक करके स्विच चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपकी वो नीचे वाली जो मोटर है वो घूमती है, हीट नहीं कर रहा है, तो और फॉल्ट हो सकता है। अगर दोनों चीज़ें एक साथ आ जाए तो ये स्विच ख़राब हो सकती है, क्योंकि ये स्विच से ही आगे सप्लाई दोनों चीज़ों को जाती है। बाकी दोस्तों इसके अलावा हम इसकी एक वायरिंग की वीडियो भी पोस्ट करेंगे, वो भी आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके ढूंढ सकते हो। और अब दोस्तों जो जो हमने जैक निकाले थे सभी को लगा देंगे। एक बात दोस्तों आप ध्यान रखें, जब भी आप इसके जैक को निकालें उससे पहले इसकी एक फ़ोटो ले लें, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना आए कि कौन सा जैक कहाँ पे लगेगा, क्योंकि तीन जैक होते हैं दोस्तों, कई बार हमें ध्यान से निकल जाता है कि कौन सा कहाँ से खोला था, इसलिए आप इसकी एक फ़ोटो ले लें ताकि कोई भी परेशानी आपको ना आए, नहीं तो आपको बाहर से पूरा चेक करके वायरिंग लगानी पड़ेगी। अगर आपके पास फ़ोटो होगी तो आप आसानी से ही फ़ोटो को देखकर वायरिंग लगा सकते हैं। और दोस्तों हम नीचे वाला जैक भी लगा देंगे इसका। और इसके बाद इसकी जो पीसीबी है इसको भी आप देख लें कैसे फिट करना है, बस सिंपली थोड़ा सा बिठाकर नीचे को प्रेस कर देना है। उसके बाद इस पर जो स्क्रू लगे होते हैं पीसीबी के पास, दो स्क्रू होते हैं, उसको हम लगा के पीसीबी को टाइट कर देंगे। और दोस्तों सभी वायर्स को अच्छे से सेट कर दें ताकि किसी कोई भी वायर जो है एक दूसरे में ना फंसे। और अब दोस्तों हम फिर से इस माइक्रोवेव को पानी रख के चला के चेक करेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। तो इसमें हम पहले पानी का गिलास रखेंगे और इसको प्लग लगा कर इसको सिंपली स्टार्ट कर देंगे। ये आप देख सकते हैं इसमें सप्लाई आ चुकी है और हमने ऑन कर दिया है, तो ये एम्पेयर भी ले रहा है। देखो दोस्तों ये 7 और 8 के बीच में एम्पेयर ले रहा है। और आप दोस्तों इसको देखें कि ये गिलास जो अंदर गोल गोल घूम रहा है और हमारी नीचे वाली मोटर है वो भी चालू हो चुकी है। और हम इसको इसकी टाइमिंग जब पूरी हो जाएगी तो उसको खोल के चेक करेंगे कि पानी हमारा गर्म हो चुका है कि नहीं हो चुका। तो ऐसे दोस्तों बहुत ही आसानी से आप इसमें छोटे छोटे फॉल्ट होते हैं आप चेक कर सकते हो। और इस हम देखेंगे कि ये पानी गर्म हो गया कि नहीं हुआ। तो दोस्तों ये पानी जो है हमारा गर्म हो चुका है, हाथ नहीं लग रहा है इस पानी को, बहुत गर्म हो चुका है पानी। तो अगर आपको दोस्तों ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ में दोस्तों ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।